मैंने कहा देखो ये सब गैर महरमों से फोन पे बात करना गुनाह है, मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी है और इससे मेरा वक्त भी जाया होता है। ये बहुत हार्श हो गया, थोड़ा प्यार से बोलना चाहिए था। पर मैंने कहा ये लोग नहीं समझेंगे, इनको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। उस इंसान ने मुझे तब से लेके आज तक कभी फोन नहीं किया। और ये चीज, ये एक पहला इंसिडेंट हुआ, इससे ना एक्चुअली मुझे कॉन्फिडेंस मिला। अब मेरे जो दोस्त थे, मैंने कहा मुझे किसी को बोलना ही नहीं है कि मैं सब छोड़ रही हूँ, किसी को नहीं बोलना। मैंने कहा ये शैतान ना किसके भी जरिए आ जाएगा, मैंने मेरी अम्मी को भी नहीं बताया, मैंने कहा इनके भी जरिए आ सकता है। बताना ही नहीं है, अपने अंदर ही रखना है कि मैं बदल रही हूँ और ये मैं सीधा अनाउंस करूंगी, बस ये किसी को नहीं बताऊंगी, सिर्फ अनस से शेयर करती थी मैं। तो जब हम लोग शुरू हुई ना, तो मेरे दोस्त लोग अरे आ जाओ मिलते हैं, कितना टाइम हो गया, अभी सब आ रहे हैं, ये वो। मैंने कहा ये तो पीछे ही पड़ गए अब। तो मेरी एक्चुअली मेरे फ्रेंड की वाइफ एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो एक बार मिल लेती हूँ, तो एटलीस्ट दो तीन महीने ये लोग ये गाना नहीं गाएंगे मिलने का, यू नो, फिर मैं खींच लूंगी आगे थोड़ा। और शुरुआत में मैं यही चीज खींचती थी, मेरे घर में मेरी बुजुर्ग अम्मी है, मैं कोरोना बाहर मैं नहीं जाऊंगी, घर में मेरी अम्मी को कुछ होगी, जबकि दुनिया थोड़ी चलने भी लगी थी। मुझे ये बहाना एप्ट लगता था किसी को भी नहीं मिलने का, यू नो, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं अपनी लाइफ में चेंजेस ला रही हूँ ना, टीवी बंद करने से थोड़ी ना कुछ होगा, बाकी चीजें भी तो चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं मेरे दोस्तों उसको मिलने गई, तो मेरा एक दोस्त था उसे बोला और ऐसे करके हाथ, तो मैं ऐसे हो गई, बोले ओ कोरोना कोरोना, मैंने कहा हाँ कोरोना कोरोना। मेरे मेरे को बताना ही नहीं है कि आज के बाद तुम उसको उंगली भी नहीं लगा पाएगा। तो होता है ना, जब आप ज्यादा लिबरल हो जाते हो, ज्यादा पढ़ लिख लेते हो ना, तो थोड़े जाहिल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब मैं नई नई कॉलेज जाती थी ना, तभी मैं बहुत 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 ही सीधी थी स्कूल में, मतलब जीन्स नहीं पहनती थी और मेरे बाल खुले नहीं होते थे, सलवार का दुपट्टा नहीं होता था सर पे, लेकिन इतनी मॉडेस्टी थी मेरे अंदर। फिर जब मैं कॉलेज गई ना, तो मैं साल में एक बार जींस पहनती थी मेरे बर्थडे के दिन, पता नहीं किस खुशी में, लेकिन मैं पहनती थी। फिर जब मैं देखूं कि लड़का लड़की हाथ मिला रहे एक दूसरे से कॉलेज में, और सबसे अमेजिंग तो मुझे लगता था गले मिल रहे ना, लेना ना देना, भाई ओ बाय ओ बाय, इतने गले मिले, इतने जान बाय बोलने से एक बाय में 10 बार गले मिल चुके, बाय खत्म नहीं हो रहा इनका। तो मुझे शुरुआत में बहुत अजीब लगे ये, मैंने कहा कैसे यार ये लड़का लड़की कैसे गले मिल लेते, क्योंकि मैं अभी भी ना थोड़े नैरो नहीं करेक्ट माइंडसेट में थी, ये अपने आप को नैरो सोच के मैं बिगड़ गई। मैं बोली कैसे कर लेते ना, कैसे ऊपर रोड पे खड़े होके, कॉलेज के बाहर गेट पे खड़े होके गले मिलते हैं ना सब, ओ बाय सी यू टुमारो, एंड मुझे ऐसा लगता था यार कैसे मिल लेते ना गले रोड पे खड़े होके, पहचान नहीं। फिर मुझे लगा यार मैं कितनी अजीब लगूंगी ना अगर मैंने ये नहीं किया, तो मुझे ट्रेंड फॉलो करना है, यहीं से ही चीजें खराब होती है एक्चुअली। तो मैंने भी पहली बार जब किसी ने मुझे बाय बोल के गले, मैंने कहा हाँ सब मिलते, तो यू नो यही प्रॉब्लम है कि जब हम कोई जगह जाते हैं ना, तो लोगों को अपने जैसे नहीं बनाते, हम उनके जैसे बन जाते हैं। और आप अगर किसी अच्छे को देख रहे हो, बेशक उनके जैसे बन जाओ, लेकिन मैं अपनी अच्छी छोड़ के मैं उनके जैसे क्यों कार्टून बन रही हूँ। तो मेरा ये जो कार्टून बनने का जो स्टेप था, ये यहाँ से मेरे कॉलेज से शुरू हुआ, वो था गले मिलने से गैर महरमों को, जो मुझे लगता था कि इसमें कोई खराबी नहीं, क्योंकि मेरी नियत तो इसके लिए अच्छी है ना, और इसके भी हम तो काम वाले हैं, कभी कभी हम मिलते हैं, कोई कोई तो वापस मिलता भी नहीं है, यू नो काम के उसमें, तो ये इंग्लिश कल्चर है मिलना, हाथ मिलाना, गले मिलना, तो मुझे ये लगता था ये नॉर्मल है, क्योंकि हमको वैसे ही पढ़ाया जाता था ना, इंग्लिश स्कूल में जाते हो, कॉन्वेंट में जाते हो, ये चीज नॉर्मल लगती है। यहाँ से शुरू हुआ, अब मुझे लगे कि ये ऐसी, तो आहिस्ते 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 लाइफ में तब्दीली आने लगी, आप मॉडर्न बनने लगे, फिर ऑब्वियसली दुपट्टा हटते गया, फिर वो एक दिन गायब हो गया, सलवार कमीज होती थी तो भी दुपट्टा नहीं होता था, क्योंकि हम ऐसे लोगों को देखते थे, पहले हमको लगता था कि सलवार कमीज में दुपट्टा तो होगा ही, भले वो इधर लटका हो इधर अटका हो पर होगा। फिर जब हम ज्यादा लोगों से मिलने लगे और ज्यादा लिबरल हो गए, तो हमने देखा रहा लोग तो सलवार कुर्ता पहन के आते हैं कॉलेज, लेकिन दुपट्टा नहीं ओढ़ते, हम क्यों ओढ़े। तो तभी नहीं हुआ, थोड़ा बाद में, बट ऐसा लगा कि सलवार कमीज बिना दुपट्टे के भी एट टाइम्स अच्छा लगता है, ये दिमाग में सेट हो गया, क्योंकि हमने वो माहौल अपने आप को, उस माहौल को अपने अंदर उतार लिया। तो इस तरीके से जब चीजें चलती गई, तो चीजें बदलती गई। अब जब ये जो मेरे दोस्त थे, ये लोग
ईद में मेरे घर पे मेरे एक दोस्त आए, सबसे पहले हमेशा मेरे घर के सबसे नजदीक होते तो वो मिलने आते थे, क्योंकि इतने कोई मेरे बिल्डिंग में कोई है नहीं मुसलमान, अभी दो है पर इतनी बातें नहीं होती थी, अब थोड़ी मैं ज्यादा फैमिली से कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ। तो जब उनसे जब मुलाकात हुई ना वहां पे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब इनसे फासला रखना ज्यादा जरूरी। तो उन्होंने मुझे आके बोला ईद मुबारक, मैंने हाथ नहीं मिलाया, मैंने कहा ईद मुबारक, तो वो सब मैंने कहा नहीं यार हाथ लगा के बात नहीं करना चाहिए, आप दोस्त एक अलग चीज़ में बात नहीं करो हाथ लगाकर। एंड आई थिंक तब से वो एक जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर आया तीसरा मेरा बर्थडे, उसमें मेरे मुश्किल से तीन से चार मेरे दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो मुझे इन तक मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी था और इनको तो पता ही चल जाता। तो जब ये लोग आए मैंने कहा यार अब ये केक भी काटना पड़ेगा फिजूल में मुझे, तो मैंने कहा मैं इनको क्या बोलूं, मैंने कहा चलो कर लो ये आखिरी है, इसके बाद तो अगले साल से मैं दिखना भी नहीं हूं तुम्हें। तो ये लोग केक लाए, अब मेरे घर में एक स्पीकर होता था जहाँ पे वो घिसा पिटा तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू ये चलता था। तो मेरे दोस्त ने जैसे वो स्पीकर लगाया मैंने इतने जोर से चिल्लाया कि उसे डर के उसका फोन गिर गया। मैंने कहा ये नहीं करना, बिल्कुल म्यूजिक नहीं लगाना, और मैं पूरा दुपट्टा उपट्टा लेके बाहर आई थी। फिर वो लोग मेरे बाजू में खड़े हुए, वो लोग बोले हैप्पी बर्थडे गा सकते, मेरे ताली बजा सकते। मैंने कहा ठीक है, बिकॉज यू नो मैं उनको इतना स्ट्रिक्ट रिलीजन नहीं दिखाना चाहती थी, आई वाज लाइक यू नो इवेंचुअली दे विल सी मी, बर्थडे तो साल में एक बार आता है ना, वो लंबा गैप है अभी अगले बर्थडे के लिए तो देख लेंगे। तो इस तरीके से जब चीजें चेंज हुई ना, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग गया कि यार ये तो मैं कर सकती हूँ, मुझे फिजूल में ऐसा लगा कि यार मैं नहीं करूंगी तो क्या होगा। तो जब ये चीजें चेंज होने लगी और जब मेरे दोस्तों तक ये पैगाम पहुंचा, तो जो लोगों को लगता है कि अरे यार मैं कितनी ऑर्थोडॉक्स लगूंगी, मैं कितनी पिछड़ी गांव के जमाने की लगूंगी, इनफैक्ट मेरा रिस्पेक्ट और बढ़ गया। लोग अब जब मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं तो वो पहले ही दूर से ऐसे करते हैं और अनस से गले मिलते हैं, तो मुझे आज वो देखकर खुशी होती है कि लुक एट द जर्नी फ्रॉम नथिंग टू सो मच टू अगेन बैक टू समथिंग विच इज सो बेसिक फॉर इस्लाम। सो ये चीज मैंने सीखा, एंड ऑब्वियसली आई थिंक आज का जो मजमा है इट हैज लॉट ऑफ वर्किंग वुमेन, बीट लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, एंड मैं हमेशा यही कहती हूँ कि प्रोफेशन कोई भी हो, कितना भी बिजी हो, आप नमाज प्लीज पढ़े और उसके लिए वक्त निकाले और उसके लिए ज्यादा वक्त करें, नमाज बिल्कुल ना छोड़े, बिकॉज इवेंचुअली यही हमारी कामयाबी है। जब मेरा क्लिनिक